भाई ये वाली है ना अपनी। हाँ अपनी। तू बैठ के देख, सही है साइज। बैठूं? हाँ देख भैया, गिरेगी तो नहीं? सही है भाई, फिटिंग ठीक है। दोस्तों हमें फाइनली मिल गया है जो हम ढूंढ रहे थे। और देखो आप, मैं चेक कर रहा हूँ बैठ के। हाँ भाई साइज तो यही है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। सो गाइज, अभी देख रहे हो पीछे चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच, और ये हमारा विराट कोहली खच्चर वो है तो अब वो है तो विनय खच्चर। गाइज गेस करो, जब विनय खच्चर को सीरियस बात करना है। नहीं नहीं, विनय खच्चर नाम का कोई इंडिया में खेलेगा कैसा लगेगा? इसके पीछे लिखा होगा पे खच्चर और नंबर होगा इसका 69। 69 क्यों भाई? तू तेरा नंबर फेवरेट है ना? तेरा क्या फिर? मेरा 13, मेरा डेट ऑफ बर्थ। वैसे लोग बोलते हैं तेरा नंबर मनुष होता, पर मेरा तो लकी है। मेरा 69 नहीं है। उन लोगों को जो तेरा मनुष लगता है वो भाड़ में जाओ। तेरा नंबर वो है मिशनरी। मेरा तो कोई ना, मैं क्या होता मुझे नहीं पता भाई। तो गाइस अभी देखो मैच चल रहा है, बाकी क्या कह रहा था मैं। हाँ, सबसे पहले तो ये बताओ कमेंट करके कि मेन चैनल की वीडियो देखी या नहीं देखी, और जिसने देखी कैसी लगी भाई, एक नंबर लगी होगी, और जिसने नहीं देखी वो जाके देख लो, और जिसने देख ली वो कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। बाकी अभी मैं और मीना जा रहे हैं बाहर, तो चलो चलते हैं। इंस्टा आज तू नहाएगा कितने दिन के बाद? नहाएगा नहाएगा इंस्टा नहाएगा कभी चक्कर में हो जाने के? इंस्टा नहाएगा जा, नाले 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 जा जा। देख लो भाई, इसको नहाना ना समझ आता है, इसको बोलते ना जा नाले। देखो देखो बाथरूम की साइड चला गया, देखो इसको पता है नहाने का मतलब, भग गया। सो गाइस लेट्स गो, मतलब लेट्स गो, नीचे चलते हैं। फंबल हो गया मेरे लेट्स गो में, कोई नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी। तो गाइस ये रही अपनी BMW और वो रही भाई ब्रीजा। और गाइज आपको एक बात बताता हूँ, चलो दिखाता हूँ कुछ। ये सिलेंडर वापस ले जा, यहीं आ जाएगा भरवाने वाला, ऊपर ले जा इसे। ये गाइज अपनी आ गई XUV वापस। लेकिन भाई सही बताऊँ, इसमें ना काम जो था ना उनने अच्छे से किया नहीं है, तो अभी उनने बोला कि कोई नहीं सर, आप दोबारा आ जाना कभी टाइम निकाल के, एक दो घंटे का काम बचा है वो हम कर देंगे। ये पूरे पे स्क्रैच दिख रही है, रुको ऐसे नहीं दिखे, ये देखो अब दिखी, ये देखो स्क्रैच, ये पीछे तक है पूरी, देखो यहाँ तक दिख रही है, दिख रही है, ये देखो ये देखो ये देखो है ना पूरे पे स्क्रैच। गाइस हेटर्स ने स्क्रैच मार दी। नहीं यार हेटर्स का तो पता नहीं, ये उन्हीं से गलती हुई है महिंद्रा वालों से। और भाई देखो जिस जैसे इसकी ये एसेसरीज थी ये उतर गई, इस पे तो है ही नहीं पूरी उतर गई इसकी, तो ये सब सही करवाना है, हम सही करके दे देंगे आपको। अब भाई देखो यार, इसने एक महीने से खड़ी कर रखी थी और अभी भी कह रहे हैं कि टाइम लगे तो दोबारा आ जाना, ये कोई मतलब थोड़ी होता है यार। ओ भाई विनय, कितनी गर्मी होनी स्टार्ट होगी ना यार, है चलेगा तो गर्मी तो होगी भाई। क्यों भाई ऐसा क्या है तेरे में? अच्छा तू हॉट है, है और मैं क्या हूँ? तू कोल्ड है। मैं कोल्ड हूँ, तू बरसाती है। कुछ भी समझा। तो गाइज मैं क्या कह रहा था, हम ना पहले जा रहे थे सिलेंडर भरवाने, पर भाई सिलेंडर फिर हमारा जुगाड़ हो गया, अब हमें सिलेंडर भरवाने नहीं जाना क्योंकि सिलेंडर घर पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें जाना है जो हमारी एक वॉशरूम की कमोड टूटी हुई है ना भाई, वो सही करवाने, क्योंकि भाई ये प्रशांत नहीं है जो याद दिखाया था मैंने, वो सिलेंडर पकड़ के खड़ा था, पता नहीं कैसा बैठा कमोड में या क्या खड़ा हुआ भाई, इसने टॉयलेट की सीट ही तोड़ दी। तो अभी हम वो मतलब कोई वहां जा रहे हैं हार्डवेयर की शॉप पे। फोटोज ले ली तूने अपनी उसकी टॉयलेट सीट की? और क्या भाई। तो भाई इसको मैंने सुबह सुबह बोला कि भाई अपने टॉयलेट सीट की फोटो ले ले, और फिर उसके बाद इसने फोटो वोटो ली, फिर हम निकल गए अभी टॉयलेट सीट ढूंढ रहे हैं। वो देखी थी अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो ऐसे ही अब हम टॉयलेट सीट एक सर्च मिस्ट्री ऐसा करने जा रहे हैं अब हम, क्योंकि हम पहले पूछ के आए थे दो चार दुकानों पे तो कहीं मिली नहीं थी, क्योंकि वो वाला कह रहे थे कि अभी तक समझ नहीं आई उसने तोड़ी कैसे बाहुबली ने। हाँ मुझे भी नहीं समझ आई। तो भाई वो मिक्की बता रहा था कि वो उस पे खड़े होकर डांस कर रहा था भाई, टॉयलेट सीट पे खड़े होकर डांस मन करता है। तो भाई हम पहले गए थे ना जहाँ, तो उनने ये बताया, मतलब उनने बोला कि ये वाला मॉडल हमारे पास नहीं है, मगर भाई टॉयलेट सीट में भी मॉडल आते हैं। कह रहा है इसका वो बताओ, इसका मॉडल नंबर बताओ, इसका वो नंबर बताओ। भाई वो महंगे वाला लगा है बहुत। हाँ हमारे घर पे महंगा लगा, पता कौन सी कंपनी का है? उस कंपनी का American नाम है कुछ करके, अमेरिकन स्टैंडर्ड। मैंने बोला कि ये कोई कंपनी है, वो तो दुकान वाला कह रहा है अरे भैया बहुत महंगी कंपनी है, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी महंगी कंपनी है। बाद पता लगा जब उस दुकान वाले ने बताया, कह रही ये कंपनी कहीं कहीं मिलती है, हर जगह तो मिलती भी नहीं है। तो अब हम उसी की सर्च में निकले हैं, टॉयलेट एक सर्च मिशन ऐसा हो रखा है अब हमारे लिए। तो भाई भाई देखो हमारी सोसाइटी एक नंबर है वैसे तो, बस थोड़ी सी पता है कहाँ प्रॉब्लम आती है हमें, ये अभी ना यहाँ पे रोड वोड का काम चल रहा है, तो जो हमारे रोड की एंट्रेंस है ना ये थोड़ी सी देखो ये उबड़ खाबड़ है, ये जो हाँ बस ये वाली मेन रोड से चढ़ते टाइम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है, और जैसे ऊंची गाड़ी हो तो स्ट्रगल उसमें करना नहीं पड़ता, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब मेरे को मेरी BMW में,
और इसको करना पड़ता था अपनी टार्जन में, अब इसको टार्जन में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये बेच चुका है भाई। क्यों बेच दी तूने यार, बता तो दे, कब बताएगा? पहली बात तुझे किसने बोला मैंने गाड़ी बेची है? तू ही कह रहा है बेच दी। असली राज पता लगेगा। अच्छा राज है क्या कुछ? कल पता लगेगा भाई, क्या करता कल यूट्यूब पे पता चल जाएगा असली राज। अच्छा ऐसा भी कुछ है? हाँ। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो तू बेच चुका है यार, तू ये अब राज रूज कहाँ से लिया यार? नहीं बात तो भाई लोग क्या कह रहा था मैं भाई, इसका तो पता नहीं क्या सीन है यार भाई। नहीं खबर लेके आ रहा है तू, छोड़ तेरा सीन हो रखा है तू, हो रहने भाई तू, अब कल ही बताइयो, छोड़ तेरे पे जाए नहीं रहे, छोड़ तू। गाइस देख रहे हो हाईवे, देख रहे हो भाई एक नंबर हाईवे यार, क्या करे ऐसा ही है भाई, बढ़िया बढ़िया सोसाइटी में रह लेते हम बस, क्या करे भगवान की कृपा हो रही है हमारे ऊपर, है भी ना? बिल्कुल लोग कृपा बोलते हैं, ऊपर से पानी टपका। हाँ भाई भगवान कृपा बोली, ऊपर से देखो पानी गिरा वहाँ आगे, देख रहे हो शीशे पे देखो बुरा भाई, ऐसे भगवान का नाम लेते रहते हम, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, चाहे मीडियम समय हो, समय कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो, टाइम कोई भी हो, भगवान का नाम लेते रहो, जुबान पे भगवान का नाम रहेगा तो सारे वक्त अच्छे होते रहेंगे आपके। अभी देख सनरूफ खोलूं नो तो ये गड्डी आ जाएगी यहीं से। बाकी गाइस विनय की आशिकी का फोन आ गया पक्का, बता दे यार तू हमेशा मतलब उल्टी बातें क्यों करता है। गाइस देखो खुद अननोन नंबर आ रहा है, लिखा है इंदौर मध्य प्रदेश, ये कंपनी का होगा फिर। फिर ये आशिकी क्या, व्हाट इज दिस मैन? वो भाई इसको दो ही लोगों के फोन आते हैं, या तो कंपनी वालों के या इसकी आशिकी के, ठीक है भाई आप समझ जाओ। गाइस मैं कह रहा था, चलो ये सब छोड़ो, मैं कह रहा था जैसे मैंने कल बोला था ना कि भाई मेरे को कुछ अच्छे अच्छे टाइटल सजेस्ट करो मेन चैनल की वीडियो के लिए, मैं आप लोगों की सजेशन मानूंगा और उसमें से कुछ अच्छा अगर मेरे को लगता है तो मैं बनाऊंगा। तो आप लोगों ने बहुत सारे टाइटल्स कमेंट करे, मैंने कमेंट्स पढ़ी, ऐसा मत सोचना कि मैंने कमेंट नहीं पढ़ी, मैंने बस बोल दिया और छोड़ दिया, मैंने बहुत सारी कमेंट्स पढ़ी, बहुत सारे टाइटल मेरे को ठीक लगे अच्छे लगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि आज के व्लॉग में आप और दिमाग लगा के थोड़े अच्छे टाइटल मेरे को सजेस्ट करो, थोड़े और अच्छे टॉपिक्स मुझे बताओ, फिर उसमें से सिलेक्ट करेंगे गाइस। तो भाई हमें यहाँ एक दुकान दिखी थी तो भी ना देखो गायब हो गया, अभी ना गया टॉयलेट सीट का पता करने के लिए, अगर यहाँ पे कुछ वैसा मिलता है तो ठीक है, वरना फिर हम आज अपनी सर्च कंटिन्यू करेंगे। टॉयलेट सीट एक मिस्ट्री सर्च, भाई कभी कभी करा आप लोगों ने ये टॉयलेट सर्च, टॉयलेट की मतलब टॉयलेट सीट की सर्च करी है? मतलब मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा ठीक से, बताओ कभी करी है टॉयलेट सीट की सर्च मिस्ट्री? लेकिन हमें करनी पड़ रही, क्या करे हमारे भाई, मतलब घर में सीट ही टूट गई भाई, ऐसा क्या उसने खाया था भाई उस बंदे ने, क्या खड़ा हो रखा था उस पे, सीट तोड़ दी भाई, कैसा बंदा यार, क्या कह रहा था भाई? कुछ नहीं भाई। भाई देखो वो सामने देख रहे हो, वो सरदार जी है पुलिस में जो, देखो दिख गए, कह रहे पंजाब पुलिस कहाँ से आ गई? सरदार जी को देख कर ऐसा लगा हम पंजाब में, कह रहे पंजाब पुलिस कहाँ से आ गई? पंजाब पुलिस में मोस्टली लोग मतलब सरदार जी होते हैं ना सारे भाई। वाह बता, हरियाणा में सरदार लोग पुलिस में नहीं जा सकते हैं भाई? बिल्कुल जा सकते हैं। फिर भाई ठीक है ना, देखकर मेरे माइंड में एकदम आया पंजाब पुलिस, तो मैंने बोल दिया। गाइस वो देख लो गाइस, चल भाई। तो भाई चलो हमारा एक काम बढ़िया हो गया, हमने ना मतलब फोन करके अपना जुगाड़ निकाल लिया, अब हमें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे इधर उधर, फोन पे ही काम हो गया। इंटरव्यू दे रहे हैं? हैं इंटरव्यू किस चीज का? धक्के खाना तो उसी को बोलते हैं, इधर उधर इंटरव्यू देना भाई पता नहीं भाई, धक्के खाने होता है, दर दर की ठोकरे खाना, दर दर भटकना। हाँ दर दर भटकना अपना काम करने के लिए, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी एक्स वाई जेड जगह घूम तो रहे हैं। पर यार हमें उस लेवल के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, अब हमें एक जानकार की दुकान पता लग गई, डायरेक्ट वहीं जाएंगे। यार तू कैसी बातें कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, कितनी बड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं हम, पॉट भाई बड़ी चीज नहीं है, कभी खरीदी है तूने आज तक? भाई मैं भाई 25 साल का हो गया गाइस, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी टॉयलेट सीट नहीं खरीदी, लेकिन आज खरीदने जा रहा हूँ। बताओ गाड़ियां खरीद ली इतनी सारी, लेकिन आज तक टॉयलेट सीट नहीं खरीदी, तो सोचो कितनी बड़ी चीज होगी। नहीं है? नाइस। नहीं है तो बता भाई, सही है लेकिन तू थोड़ा ढंग से चला ले यार, डर लग रहा है भाई। ढंग से चला रहा हूँ। तो गाइस वो करते हैं हम एक काम करेंगे, अभी मतलब ना जुगाड़ तो हो गया है तो वो कभी किसी ने ना वो नहीं किया होगा, पॉट का गिव अवे पॉट का गिव अवे गाइस, टॉयलेट सीट का गिव अवे भी ना कर रहा है। मैं नहीं कर रहा भाई, भाई किसी के घर पे अगर मतलब ठीक वाली नहीं आ, किसी बता देना भाई, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, कैनेडियन चाहिए, अमेरिकन चाहिए, किसी की पुरानी हो गई है तो विनय को बता देना, विनय भाई नई पॉट गिव अवे कर देगा, है विनय? और बढ़िया भाई। तो भाई अभी जिस शॉप पे जाएंगे ना उसके पास अगर हमारे घर पे जो है वो वाली मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो भी ठीक है, क्योंकि हम उसको बोल देंगे कि भाई ऐसी ऐसी है, उसको फोटो वोटो दिखा देंगे, अब आप अरेंज करके हमें ला के दो। हम गाइस अपने पॉट के साथ सेल्फी लेकर आए हैं मैं लेकर आया हूँ मैं। तो भाई हम उसको बोल देंगे कि अरेंज करवा के दो तो ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। इसमें ये भी तो है, ये देखो भाई ऐसा क्रेटा में था, इसकी छोटी है, छोटी है क्रेटा की बड़ी थी। हाँ तो गाइस हमारा काम भाई हो जाएगा, समझ गए ना आप, कैसे करवाना है अब हमें काम, ऐसे करवाना है कि अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो उसको बोल देंगे कि भाई अपने आप करवा के दे दे, अब तू
जब वो आएगी तो घर पे पहुंचवा देगा या ले आएंगे वो लोग, और घर पे आके हमारी टॉयलेट सीट लगा देंगे। तो चलो भाई अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, देखते हैं कल पता लगेगा आपको कि हमारी टॉयलेट सीट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर हमें वेट करना पड़ेगा। और तो तब तक के लिए भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। दो काम करने हैं आपको, दो काम ये है। पहला काम ये है कि मेन चैनल की जाके वीडियो देख लो, और दूसरा काम अच्छे अच्छे टाइटल्स कंसेप्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ जो कि मेन चैनल के लिए मैं आगे चल के बना सकूं, ठीक है? ये आपको कर देना है। चलो गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए भाई सारे खुश रहो और बोलो जय श्री राम, बाय बाय।